शादी के बाद इंसान की जिंदगी भी उत्तराखंड हो जाती है। जिस दिन ये बांध टूटेगा उत्तराखंड का तो सत्यानाश हो जाएगा, था पानी एक बार में छूटेगा। उत्तराखंड बहुत बेहतरीन जगह है, लेकिन यहाँ इसकी एक छोटी सी सहायक नदी है, भीलांगना। क्या नाम है? भीलांगना। भीलांगना क्या है? भीलांगना कहती है अलकनंदा से, हम भी आए अलकनंदा के भगे सु छोट मोट नदी को हम वैल्यू देते हैं, उधर मिल जाओ तो डर गई कौन भीलांगना। किस में जाके मिल गई? भागीरथी में। कहाँ पे? यही बनाया गया है टिहरी बांध। कौन सा बांध? टिहरी बांध। सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर? भागीरथी नदी। भागीरथी और भीलांगना के संगम पर, भागीरथी और भीलांगना के। जिस दिन ये बांध टूटेगा उत्तराखंड का तो सत्यानाश हो जाएगा। ये अगर ये बांध टूट गया तो अथाह पानी एक बार में छूटेगा, और यहाँ जितने संगम पे जगह बसे हैं सब दह जाएंगे यहाँ। और यहाँ पहाड़ खड़ा है तो पानी इधर नहीं जाएगा, इधर तेजी से बहने लगेगा यहाँ पे। और जितने भी शहर बसते हैं पहाड़ के नीचे बसते हैं, और जब बाढ़ आता है तो पहाड़ के नीचे आ जाता है, सब दहवा के लेके चल जाता है, सब लोग डूब जाते हैं, कुछ नहीं बचता है। बड़ी वहाँ कोई प्रयाग नहीं है, एकरो तुम प्रयाग बनाएगा, छोट मोट कोनो गढ़ा गुढ़ोई को प्रयाग बना देगा। तो उत्तराखंड बहुत बेहतरीन जगह है, फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है, बहुत बेहतरीन है। लेकिन तूफान, चक्रवात, बादल फटना, बाढ़ आना, तबाही बहुत आते रहते, समझ। सुंदरता भी है, खूबसूरती भी है, सब कुछ है, तबाही भी आती रहती उत्तराखंड में। शादी के बाद इंसान की जिंदगी भी उत्तराखंड हो जाती है, खुशहाली, शांति, समृद्धि सब है, लेकिन बीच बीच में चक्रवात, तूफान ये सब आते रहता है। तो आप सब लोग फ्यूचर में होने वाले हैं उत्तराखंड।